अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन सोनिया में। तो आज हमारे किचन में बना चिकन चना रेसिपी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, चने चिकन की रेसिपी। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, मैंने यहाँ 3 पाव चिकन लिया है, 1 पाव चने लिए हैं, उनको मैंने रात में भिगो दिया था और फिर मैंने उनको बॉयल कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबलस्पून, 2 प्याज जाएंगे, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना ली है और 1 टमाटर जाएगा, और ये गार्निशिंग के लिए धनिया, हरी मिर्ची और अदरक है। और स्पाइस में जाएगा 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है और 2 टीस्पून कसूरी मेथी है। तो और इसमें जाएगा ये मलाई, ये घर का मलाई है। जैसे दूध को मैंने 2 लीटर दूध था उसको मैंने बॉईल करके ठंडा किया था, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो उसके ऊपर ये थिक सी मलाई आ गई थी। तो ये मैं 4 टेबल स्पून ये भी ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, उसमें ये प्याज डालूँगी, इनको हल्का पिंक कलर देंगे। जैसे प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया, फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज होगा, फिर इसको चिकन डालूंगी, इसको हल्का सा भूनूंगी। हमारा लहसुन और प्याज हो गया, अभी मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। चिकन डाल दिया, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, तो इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। चिकन को मैंने 1-2 मिनट भून लिया, फिर मैं इसमें हरी मिर्च का ये पेस्ट डाल दूँगी। साथ में ये टमाटर डाल दूँगी, फिर इसको अच्छे से ना भूनने की 5-6 मिनट के लिए, साथ ये टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छे से ना भूनने। तो मैंने उसको थोड़ा सा भून लिया, टमाटर भी जैसे सॉफ्ट हो गए, हम इसमें मिला लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक, नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, सूखा धनिया और ये कसूरी मेथी और गरम मसाला ये मैं ऑन मिला लेंगे, ये सब अच्छे से कर लेंगे। मसाले हो गए अच्छे से मिक्स, अभी मैं इसमें डाल दूँगी चने। अभी चने डाल के इसको थोड़ा सा भूनेंगे अच्छे से, इसको अच्छे से भूनेंगे 5-4 मिनट। चने और चिकन को मैंने थोड़ा भून लिया, अभी मैं इसमें 4 टेबल स्पून मलाई डालूंगी। अभी इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँ, मलाई से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये बहुत क्रीमी और बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, अभी मैं इसमें पानी डाल दूँगी 1 कप, मैंने वो मलाई वाली बाउल में पानी डाल दिया था और इसको मैंने अच्छे से 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया। अभी इसकी फ्लेम को थोड़ा सा कम करेंगे और इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। चने तो हमारे पहले से गले हुए, तो बस चिकन को हम अच्छे से गलाएँ और फिर इसको लास्ट में भूनेंगे 10 मिनट के लिए इसको पानी डाल दें। जी तो ये देखें हमारे चिकन चने रेडी हैं, तो आप इनको ज़रूर ट्राई करें। मैं इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करूँगी, तो आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।